हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ठीक है, यानी इसके बारे में जानेंगे कि ये डिसीज़ क्यों होती है, इसका क्या रीज़न है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, जो हेरिडिटरी पैटर्न है इस डिसीज़ का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये क्या है। ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी डिसीज़ है। सबसे पहले हम ऑटोसोम का मतलब जान लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में दो टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स। ठीक है, ठीक है। फीमेल में हमारे पास क्या होते हैं, एक्स सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब देखिए इन क्रोमोसोम को छोड़कर, ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो, उन्हें आप ऑटोसोम बोलते हो। ठीक है, अब देखिए रिसेसिव का क्या मतलब है यहाँ पर, यानी कि इस डिसीज़ को अपना इफेक्ट किसी भी इंडिविजुअल में शो करने के लिए, ठीक है, तो उसमें दोनों के दोनों जो अलील्स हैं उस जीन के, ठीक है, उसमें म्यूटेशन होने चाहिए। आपको पता है हमारी बॉडी में मोस्टली जीन्स होते हैं, ठीक है, उनके दो अलील प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जीन वन है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो अलील प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अलील वन और अलील टू। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों अलील में म्यूटेशन होनी चाहिए, तभी ये जो कंडीशन है या ये डिसीज़ है अपना जो इफ़ेक्ट है उस इंडिविजुअल में शो कर पाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब जान लेते हैं हेरिडिटरी का। हेरिडिटरी का मतलब ये है कि ये क्या कर रही है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इसका ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो इसका मेन फीचर क्या होता है, इसमें जो RBC होती है आपकी, ठीक है, उसका शेप क्या हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। ठीक है, अब उसका रीज़न क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में। ठीक है, अगर DNA से DNA की फॉर्मेशन हो रही है तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप रेप्लिकेशन बोलते हो। ठीक है, अगर DNA से RNA की फॉर्मेशन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर RNA से अगर आपके प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है तो उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप ट्रांसलेशन बोलते हो। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इस डिसीज़ में पॉइंट म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये है कि अगर आपके जो DNA है उसमें वेरियस नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए अगर किसी एक बेस पेयर की किसी और बेस पेयर से हम रिप्लेसमेंट करा देते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होती है, अकर ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, और ये म्यूटेशन भी किस टाइप की, आपके पास ट्रांसवर्जन म्यूटेशन की। ठीक है, म्यूटेशन की हमारे पास अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज की बात करते हैं तो मेनली हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या है हमारे पास, ट्रांजिशन, और दूसरी कैटेगरी क्या है, ट्रांसवर्सन। ठीक है, ट्रांजिशन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास जो बेस है, ठीक है, वो पिरिमिडीन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पिरिमिडीन की रिप्लेसमेंट किससे हो जाती है, पिरिमिडीन से हो जाती है। अगर प्यूरिन है तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो किससे हो जाती है, आपकी प्यूरिन से हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्जन की, इसमें क्या होता है, आपके पास प्यूरिन की रिप्लेसमेंट किससे हो जाती है, पिरिमिडीन से, और पिरिमिडीन की रिप्लेसमेंट किससे हो जाती है, प्यूरिन से हो जाती है। ठीक है, या वाइस वर्सा, मतलब दोनों की बात कर ली हमने इन ए जीन पेयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों सीक्वेंस बना रखे हैं, नॉर्मल जो ह्यूमन बींग है उसके, और जो सिकल सेल एनीमिक पेशेंट है उसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल की। ठीक है, अब इसमें जो DNA में सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो एसिड जिसमें म्यूटेशन हो रही है उसके कोडोन में, हमने सिर्फ उसको यहाँ पर शो किया है। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड होते हैं इसके तीनों के तीनों कोडोन, एक कोडोन है, ठीक है, एक कोडोन में आपको पता है तीन नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, और ये तीन जो नाइट्रोजनस बेस हैं, ठीक है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन। ठीक है, जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो इससे हमें क्या मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, ठीक है, एडेनिन मिलेगा और एडेनिन मिलेगा। ठीक है, अब जो इससे हमारे पास अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, ग्लूटामिक एसिड की होगी। ठीक है, ये हमने किसका डिस्कस कर लिया, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का। अब हम बात करते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन की। ठीक है, इसमें क्या है, जो पहला कोडोन है या पहला जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या, हमारे पास साइटोसिन है। ठीक है, अब क्या होगा, जो दूसरा नाइट्रोजनस बेस है थायमिन, उसकी रिप्लेसमेंट किससे होगी, एडेनिन से होगी। यानी ये क्या है, आपकी ट्रांसवर्जन म्यूटेशन है, क्योंकि थायमिन के आपके पास थायमिन पिरिमिडीन है, ठीक है, लेकिन एडेनिन क्या है, ये प्यूरिन है। ठीक है, आपको पता है प्यूरिन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो पहला टाइप है वो क्या, आपके पास एडेनिन है, और दूसरा क्या, ग्वानिन है।
ठीक है। इसी तरीके से जो आपके पास पिरिमिडीन्स होते हैं वो भी दो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जो पहला टाइप है वो हो गया आपके पास थाइमिन है, और दूसरा क्या है, साइटोसिन है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, जो थाइमिन आपके पास पिरिमिडीन था, इसकी रिप्लेसमेंट हमने किससे करवा दी, एडनिन से करा दी, जो कि क्या है आपके पास, प्यूरिन है, ठीक है। यानी आप इसे कैट बोल सकते हो, कैट का मतलब क्या है, साइटोसिन, एडनिन और थाइमिन। अब इसकी जो रिप्लेसमेंट है, ठीक है, यानी जो इससे, सॉरी, जो ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिनोमिना होगा, ठीक है, तो उससे हमें क्या ऑप्टेन होगा, ग्वानिन, यूरैसिल और एडेनिन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब जो जब इसकी ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन के दौरान जब इससे अमाइनो एसिड बनेगी, तो कौन सी अमाइनो एसिड बनेगी, वैलिन बनेगी। यानी कि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है, ठीक है, उसमें ये कोडोन क्या बना रहा है, ग्लूटामिक एसिड बना रहा है। और ये कोडोन जब इसमें म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन कहाँ पर हो रही है, सेकंड नाइट्रोजनस बेस पे, ठीक है। जब इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो हमें कौन सी अमाइनो एसिड मिलती है, हमें वेलिन मिलती है, ठीक है। और आपको पता है जो ग्लूटामिक एसिड है वो क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड है, यानी ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। और वेलिन क्या है आपके पास, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है आपके पास, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड क्या है आपके पास, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, वाटर लविंग, ठीक है। लेकिन जो वेलिन है वो क्या होती है आपके पास, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं कि एक्चुअली में रीज़न क्या है सिकल सेल शेप होने का आरबीसी के, ठीक है। अब देखिए, जो हाइड्रोफिलिक जो अमाइनो एसिड होते हैं वो किसी भी प्रोटीन के जो आउटर मोस्ट सरफेस है, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक जो अमाइनो एसिड होते हैं वो आपके जो प्रोटीन के इंटीरियर, जो अंदर वाला रीजन होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यानी वेलिन नॉर्मली उसके अंदर इंटीरियर इंटीरियर रीजन में हमें मिलना चाहिए, लेकिन जो आपकी जो हाइड्रोफिलिक आपके पास जो अमाइनो एसिड है, फॉर एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड हो गया आपके पास, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ये कहाँ पर मिलनी चाहिए आपको, आउटर सरफेस पर मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब क्या है, नॉर्मल केस में ये प्रोटीन आपकी हीमोग्लोबिन के आउटर सरफेस को ऑक्यूपाई कर रही थी, लेकिन यही अब जब इसकी म्यूटेशन होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये वेलिन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो यानी कि अब ये जो ये क्या होगी, ये तो हाइड्रोफोबिक ही नेचर है, तो ये आउटर एनवायरनमेंट है जो कि क्या आपका एक्वस एक्वस नेचर का है, ठीक है, तो उससे दूर भागने की कोशिश करेगी ये अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इसी वजह से वो थोड़ा अंदर की तरफ धस जाएगी ये अमाइनो एसिड, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होते हैं उनका जो शेप वो सिकल सेल शेप का हो जाता है, ठीक है, सिकल शेप का हो जाता है, ठीक है। तो हमने जान लिया कि एक्चुअली में इसका रीज़न क्या है आरबीसी के सिकल सेल शेप होने का, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्या शो कर रखा है, सेंटर में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक क्या है हमारे पास सिकल सेल शेप की आपके पास आरबीसी है, और बाकी ये आपके पास नॉर्मल आपके पास आरबीसीज हैं, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर साइड में, हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है आपके पास, टेट्रामेरिक इन नेचर होता है। टेट्रामेरिक का मतलब ये है कि इसमें क्या है आपके पास, फोर चेन्स होती हैं, दो अल्फ़ा चेन्स होती हैं और दो बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। अल्फ़ा चेन जो एक होती है वो कितने अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है, वो 141 अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है, और जो बीटा चेन्स होती हैं वो आपकी 146 अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ये सिकल सेल की आर बी सीज होती हैं, ठीक है, वो नॉर्मल आर बी सी की तरह जो आपकी जो ब्लड की फाइन कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं कर सकती है। क्यों क्यों नहीं क्रॉस कर सकती, क्योंकि इनकी शेप ऐसी होती है, जो नॉर्मल आर बी सी होती हैं, जब वो नैरो कैपिलरीज हैं, ठीक है, जब वो उसको क्रॉस करती हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेती हैं, ठीक है, यानी वो सिकुड़ सी जाती हैं और उसको ईजिली क्रॉस कर जाती हैं गुब्बारे की तरह, ठीक है। लेकिन जो आपकी जो सिकल शेप जो आपकी आरबीसी होती है वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर पाती जब वो कैपिलरी से क्रॉस करती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कैपिलरीज क्या हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी आर्टरी है, ठीक है, वो आपकी हर्ट सी आई, ठीक है, जब फिर वो किस में ब्रेक डाउन हो जाती है, फाइन कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो जाती है आपके टिश्यू में जाने के बाद, ठीक है। और कैपिलरीज की जो लाइनिंग होती है वो बिल्कुल थिन होती है, ठीक है, यानी जो उनका ल्यूमन है वो भी बहुत क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। तो उनको क्रॉस करने के लिए जो आपकी जो नॉर्मल आरबीसी है वो अपनी शेप को चेंज कर लेती है। लेकिन अब देखिए, जो सिकल सेल जो पेशेंट है आपके पास, ठीक है, उसकी जो आरबीसी है जब वो नैरो कैपिलरीज से गुजरती हैं, ठीक है,
तब वो अपनी ये शेप को चेंज नहीं कर पाती, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर ब्लॉकेज जनरेट हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो ब्लड की सप्लाई है वो नॉर्मली वहाँ पर नहीं हो पाती। अगर ब्लड की सप्लाई वहाँ पर नॉर्मल वे में नहीं हो पा रही, तो जो आपके टिश्यू है, ठीक है, जो वो कैपिलरी जिस भी टिश्यू को ब्लड सप्लाई कर रही है, तो वो उसको ब्लड नॉर्मल वे में सप्लाई नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो जो आपके टिश्यू हैं वहाँ पर क्या होगा, हाइपोक्सिक कंडीशन जनरेट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। अब देख लेते हैं सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहला सिम्टम क्या है, पेन, ठीक है। अगर आपके जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पा रही, ठीक है, ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेगी उनको, ठीक है, यानी कि फूड का ऑक्सीडेशन वहाँ पर नहीं हो पा रहा, फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, ठीक है, तो जो आपके सेल्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, रैपिड ब्रेकडाउन ऑफ RBC, ठीक है। इसमें सिकल सेल में क्या होता है, जो आपके RBC है, सिकल सेल शेप की हो गई है, ठीक है, ये जल्दी ब्रेक डाउन कर जाती हैं, ठीक है। जो आपकी नॉर्मल RBC होती हैं, उनका जो लाइफ स्पेन कितने दिन का होता है, 120 डेज़ का होता है, यानी वो 120 दिन तक सर्वाइव कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी सिकल सेल शेप की RBC होती हैं, जो उनका लाइफ स्पेन क्या होता है, बहुत कम होता है इज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल RBC, ठीक है। तो जो इनका लाइफ स्पेन क्या होता है, 10 से 20 दिन का होता है, ठीक है, यानी आपकी जो सांस है, ठीक है, वो छोटी हो जाती है, यानी आप मतलब डीप ब्रीथ नहीं ले पाते, ठीक है, जो फैटीग हो जाता है आपको, थकान हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है उस एरिया में। स्वेलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉकेज हो रही है, ठीक है, किसकी, ब्लड की, यानी ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा वहाँ पर प्रॉपर नॉर्मल वे में, ठीक है, और फीवर भी हो जाता है इससे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इनहेरिटेंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, केस 1 है, ठीक है। केस 1 क्या है हमारे पास, जब एक नॉर्मल पर्सन किसके साथ मैरी करता है, हेटरोजाइगोट के साथ, ठीक है। हेटरोजाइगोट क्या है, जिसमें एक तो नॉर्मल है आपके पास अलील, और एक क्या है आपके पास एबनॉर्मल, एबनॉर्मल हम क्या बोल सकते हैं इसको, सिकल सेल अलील, ठीक है, वो प्रेजेंट है। नॉर्मल में क्या होंगे, दोनों के दोनों अलील क्या होंगे आपके पास, नॉर्मल होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल पर्सन है, यानी ये क्या है, होमोजाइगस नॉर्मल कंडीशन है इसमें, ठीक है, यानी ये क्या है, HbA, ठीक है। और जो सिकल सेल अलील है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HbS से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे हमें 4 हमारे पास कम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो पहला कम्बिनेशन क्या बन रहा है आपके पास, HbA, ठीक है। अब जो इससे जो फिनोटाइप बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, नॉर्मल होगा, ठीक है। और दूसरे क्या है आपके पास, HbA है, ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास नॉर्मल कंडीशन मिलेगी हमें, ठीक है। अब देखिए तीसरी और चौथी कंडीशन क्या है, इसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, कैरियर होंगे। कैरियर का मतलब ये है कि इसमें क्या है, 2 अलील हैं, और एक अलील क्या आपके पास सिकल सेल अलील है, और दूसरा अलील क्या आपके पास नॉर्मल अलील है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, कैरियर होंगे, यानी इनमें खुद डिसीज़ नहीं होगी, ठीक है, यानी वो खुद नॉर्मल होंगे, ठीक है, देखने में भी इनके RBC भी नॉर्मल ही होंगे, लेकिन ये क्या होंगे, कैरियर होंगे, यानी ये नेक्स्ट जनरेशन में अपना जो अलील है, सिकल सेल का अलील है HbS, ठीक है, उसको ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास हम बोल सकते हैं 1:1 बन रही है, किसकी बन रही है हमारे पास, नॉर्मल की और कैरियर की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे केस की, तो इसमें क्या होता है, जब एक हेटरोजाइगोट, ठीक है, हेटरोजाइगोट को हम कैरियर भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैरी करता है किसके साथ, हेटरोजाइगोट के साथ, दूसरे हेटरोजाइगोट के साथ, ठीक है, दोनों में क्या, कौन सी कंडीशन होगी, HbA HbS। अब जो दोनों के दोनों क्या करेंगे, 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, पहला गैमेट क्या होगा, HbA होगा, और दूसरा गैमेट क्या होगा, HbS होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो पहला जो हमारे पास, जो हमारे पास कंडीशन मिल रही है, वो क्या मिल रही है हमें, नॉर्मल मिल रही है, ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HbA HbA, ये क्या होगा, नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड केस में हमारे पास जो कंडीशन मिल रही है उसे हमने क्या बोला, HbA HbS, यानी ये क्या होगा, कैरियर होगा, ठीक है, यानी इनमें खुद डिसीज़ नहीं होगी, लेकिन ये नेक्स्ट जनरेशन में इस डिसीज़ को
या इस जो एलील है सिकल सेल एलील को, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास, HBS, ठीक है, यानी इनमें क्या होगी, सिकल सेल डिसीज़ होगी या सिकल सेल एनीमिया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका केस टू के बाद। अब हम बात करते हैं केस थ्री की। ठीक है, जब एक जो पर्सन है जिसको सिकल सेल डिसीज़ है, वो किसके साथ मैरी करता है, हेटरोजाइगोट के साथ। ठीक है, हेटरोजाइगोट का मतलब क्या है, हमने डिस्कस कर लिया ये कि आपके कैरियर्स हैं। ठीक है, अब जो पर्सन है जिसको सिकल सेल डिसीज़ है, वो दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, गैमेट तो वो एक टाइप के ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन दो गैमेट प्रोड्यूस करेगा, HBS HBS। मान लीजिए हमारे पास दो कंडीशन है क्योंकि दो एलील होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो हेटरोजाइगोट है वो दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगा, HBA HBS। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसमें चार कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। ठीक है, दो हमारे पास सेम है, दोनों के दोनों, और दो भी हमारे पास सेम है। कहने का मतलब क्या है कि दो क्या होंगे इसमें, कैरियर होंगे, और दो क्या होंगे हमारे पास इसमें, डिसीज़ वाले होंगे। ठीक है, जो कैरियर होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा, HBA HBS। ठीक है, और जो डिसीज़ वाले होंगे उनका क्या होगा जीनोटाइप, HBS HBS। ठीक है, यानी दो जो कैरियर हैं, ठीक है, उनमें खुद डिसीज़ नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि उनमें क्या है, सिकल सेल का अलील है, और जो जिनमें डिसीज़ है उनमें क्या है, दोनों के दोनों अलील क्या है, सिकल सेल के हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।